ओम शांति। आज 6 अगस्त 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को आत्मनिरीक्षण करना सिखाते हैं। बाबा कहे, रोज अपने आप को देखो कि मैं आत्मा कितनी शुद्ध हुई। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतनी अंदर में खुशी बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ कुछ दिनों से लगातार बाबा बच्चों को देही अभिमानी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो आज भी बाबा बच्चों को कहे, बच्चे तुम्हें देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान माना कच्ची अवस्था, कर्मातीत बनना है तो जितना जितना देही अभिमानी होते जाएंगे कर्मातीत अवस्था बनती जाएगी। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। आज की मुरली का प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, देही अभिमानी बनो। हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ है, देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। आज की मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में कितना पाप है कितना पुण्य है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। जिन भी आत्मा का योग बल से पाप कटते हैं उसकी पहली निशानी कि खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राज योगी व राज ऋषि हो। हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। इतना अंतर है। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं। वास्तविक योग किसको कहा जाता है वो जानते नहीं है। तत्व के साथ योग लगाएंगे जिससे कोई प्राप्ति नहीं। परंतु बाबा कहे, जब भगवान को बाप मानते हैं और उससे प्यार से याद करते हैं वही यथार्थ योग है। इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है, यही आत्मनिरीक्षण करना है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं। बाबा से
बहुत दूर है। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं, बाप को देह अभिमान होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को, क्योंकि कई जन्मों हमने देह में रह करके पाठ बजाया तो नेचुरल है देह अभिमान के संस्कार बन गए। परमात्मा को देह अभिमान नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी अपनी देह धारण की नहीं जो लगाव हो सके। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी। बाबा कहे तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है, यह दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, वह अंदर की पीड़ा होती है। कर्म भोग जब होता है तो बाबा कहे वो अंदर की पीड़ा होती है। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। खुशी होगी तो विकल्प कम हो जाते हैं, तूफान कम हो जाते हैं। आएंगे तो उसको हंसी में ही जैसे खुशी में उड़ा देते हैं। इसलिए बाबा कहे तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य शाहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। जानते हो बाबा से हम राजा ही लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती, प्राप्ति में खुशी है, शांति में इतना खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है। इसलिए कहा ना, प्राप्ति जहां है वहां खुशी है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं। सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का ऊना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं। वहां डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं। ये शरीर की फिक्रात यहां रहती है। इसी दुनिया में डर भी है, टैक्स भी है, लड़ाइयां भी है। बाबा कहे वहां तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। गाया जाता है फिकर से फारिग स्वामी करता है, किंदा स्वामी सतगुरु। गाया जाता है फिकर से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। तुम जानते हो फिकर से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं। फिर 21 जन्म लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी
तुम्हारे पर है। तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता। वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे। फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है। फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। हाँ बाबा कहे फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो। अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो। जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर उच्च वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो। गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। सिखाते हैं बाबा कैसे बैलेंस से चलना है। शरीर की भी संभाल हो तो आत्म उन्नति भी होती रहे। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है। इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में कितना फकुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। शाहूकारों को तो धन का फिकर रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को कोई फिक्र नहीं है। टेंशन की बात बाबा कहे जिनके पास बहुत धन है शाहूकार है उनको रहता है। बाकी कुमारियों के पास कुछ नहीं तो उनको कोई फिक्र की बात नहीं। हाँ कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है। जगाते भी रहना है। बार बार उनको जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाप भी क्या करेगा। कितनों को मंत्र दे। हम तुमको देते हैं तुमको फिर औरों को देना है। कलम लगाना है। बाबा कहे कलम से कलम लगती जाएंगी तो कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो। मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं वर्षा लेना है तो बाप को याद करो। देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। विधि भी बाबा बताते हैं अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होगा और वर्षा भी मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं। उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी यह पसंद करेंगे। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है। पतित चल नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं।
तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है, शरीरों की भी पूजा होती है, वह है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र है, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। बाबा ने ज्ञान का शब्द कोश दिया है, जो बाबा कहे तुम्हें भक्ति के अक्षरों को नहीं बोलना है। हाय राम, कौन से अक्षर भक्ति के नहीं बोलना है? हाय राम, यह भी भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है। मन मना भव का अक्षर जरूर देना है, लेकिन बाबा कहे हाय राम, बड़ी आह भर करके राम कहना, ये अक्षर नहीं बोलना है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, कहते हैं ना ओम के 100 मतलब है, तो बड़ी बड़ी महिमा करते हैं। तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो, जैसे हम भी बच्चे से पूछता हूँ, यह किसका श्रृंगार करती हो? लच्छू दादी बाबा के रथ को संभालती थी, तो इसीलिए बाबा बच्चे से पूछता हूँ कि यह किसका श्रृंगार करती हो। बोलती है शिव बाबा के रथ का। यह शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं, उनकी आत्माएं पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके, तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं। करने वाला तो शिव बाबा है, देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म और अभी ब्राह्मण धर्म, लेकिन बाबा कराते हैं हमारे द्वारा। तो शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते हैं। बाबा तो सिंप्लिसिटी में मानते हैं, तो इतना श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सत्युग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा, वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं, कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। यह कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण, नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। नारायण का किसको पता नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती, फिर राम की जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही है
बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट या देवी देवता बनेंगे। बाबा ने दो तीन प्रकार के साक्षात्कार किए थे। साकार बाबा ने दो तीन प्रकार के साक्षात्कार किए थे। यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा, दो चार राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो, इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे। ये खुशी जास्ती उनको रहेगी, इनको रहेगी। बाबा कहे यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। यह भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में। फिकर की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करें, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे, शिव बाबा की महिमा है ना। बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं, बाबा कहे बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूं, मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है। बड़ी बात थोड़ी है, पढ़ते ही सर्विस के लिए। जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो। यह जास्ती महिमा कर दी है, पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, यह सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पाठ ही है तुमको यह समझाने का कि माम एकम याद करो, जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है। तुम सब उंगली देते हो इस बात के लिए कलयुगी पहाड़ को पलटाने, बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयुग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं, सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बात तो ठीक कहते हैं, बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव। अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते मुझे याद करो। सिंपल भाषा में बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितना उच्च धर्म उच्च कर्म वाले थे।
तब तो गायन है, सोले कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। अब फिर ऐसे बनना है, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है, रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है, कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है, सबसे बहुत प्यार से चलना है, मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो, यह नहीं सोचो कि कहां तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहां तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो तो वह भी बदल जाएगा, सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। आज का स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना यही सबसे बड़ी महानता है। अच्छा, ओम शांति।